अस्सलामु अलैकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। मैं आज ये बनाने लगी हूँ ब्रेड क्रम्स, जो कि ये बंद यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। और ये देखिए, ये इतने शौक होते हैं कि आप लोग शोरबे वाले सालन के साथ या यखनी वगैरह उसके साथ खा सकते हैं। ये देखिए इतने सॉफ्ट हैं कि दोबारा से ऐसे करते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने ना इनका हल्का सा मुँह ओपन कर दिया था। ये देखिए यहाँ से ना हल्का सा मैंने खोल दिया था ताकि इसको ना हवा पड़ती रहे और ये ना खुशक हो जाए। ये देखिए ये बिल्कुल सख्त हो गए, खुशक हो गए, जिसके हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। आप लोगों के पास ये अगर होते हैं तो घर पे आप लोग ज़ाया नहीं क्या करें, आप लोग इसको 2 दिन लगा के ना तो खुशक कर लिया करें और फिर इसकी ब्रेड क्रम्स बना लिया करें। तो मैं भी इसके ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी और इससे बनाऊँगी मैं इसकी हेल्प से। आप लोगों के पास नहीं होते तो आप लोग भी ज़ाया मत किया करें, इसकी ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए बहुत जगह पर यूज़ होते हैं। ये देखें सख्त है। अब देखिए मैं इसको बनाऊँगी। ये देखिए कितने बारीक हो रहे हैं और हम इतने ही बारीक चाहिए। तो मैं सारे बना लूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक बन के कितने सारा बन गया। ये देखें अभी मैं दूसरे के भी बना लूँ फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि दूसरे के भी दोनों को मिला के कितने सारे बन जाएंगे। आप लोग अगर आप लोगों के पास ये अगर आपको थोड़ा गीली गीली लग रहे हैं तो आप इनको फ्राई पैन में रोस्ट कर सकते हैं या ओवन के अंदर रख के थोड़ा सा चला के तो आप इसको रोस्ट कर सकते हैं, तो ये खुशक हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये 2 बंद के मैंने बनाए। जब ज़रूरत होती है तो मैं ऐसे ये बंद रख लेती हूँ, हल्का सा ओपन कर देती हूँ उसका रैपर ना, तो फिर सूख जाते हैं तो खुशक हो जाते हैं अंदर से, तो फिर मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो आपको आप लोगों को पता ही है कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। तो बस जब भी बनाने जब भी आपको इस्तेमाल करने हो तो ऐसे बना के ब्रेड के भी आप लोग बना सकते हैं। 2-3 ब्रेड लें और उनको खुशक कर लें, कहीं पर रख के धूप में रख के या फिर ना ओवन में ड्राई कर लें, तो बस फिर उनको ऐसे क्रश करके ना तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कबाब में डालते हैं, डोनट वगैरह जो आप लोग हम लोग बनाते हैं चिकन वगैरह के उनके साथ लगाते हैं, काफ़ी चीज़ों में यूज़ होते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।